पहले तो लोगों को नहीं पता था कि इम्यून सिस्टम के पास मेमोरी है, लेकिन उनको ये अजूबा देखने को मिलता था कि पहले जब बीमारी होती थी, जब पहली बार, तो ज्यादा टाइम लगता था उसको ठीक होने में, और वही बीमारी जब दूसरी बार घटित होता था किसी व्यक्ति को, तो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता था वो। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा बार जब पैथोजन एंटर किया, तो कुछ ऐसा कंपोनेंट था जो उसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये पहली बार एक बार एंटर कर चुका है, और क्विकली रेस्पॉन्ड किया। ये क्विक रेस्पॉन्स जो है, ये इसका मतलब क्या है कि इसमें मेमोरी था, ठीक है, स्पेसिफिक मेमोरी है, ओके, इन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एंटीजन। समझ में आया दीपा? यस तो ये किस वजह से होता है? एडेप्टिव इम्यूनिटी इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है। ये किस वजह से होता है? बाद में पता चला हमको कि बी लिम्फोसाइट्स जो हैं और टी लिम्फोसाइट्स जो हैं, इफेक्टर सेल्स बने। बी लिम्फोसाइट का इफेक्टर सेल्स प्लाज्मा सेल्स, और प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडी जनरेट कर रहा था, वो यहां भी जनरेट कर रहा था प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी जनरेट। और टी लिम्फोसाइट का आपको टी मेमोरी सेल भी था यहां पर, सॉरी, टी इफेक्टर सेल्स भी थे, ठीक है, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड उस समय कम था पहली बार। अब जो है, प्लाज्मा सेल्स जो थे बी लिम्फोसाइट के, प्लाज्मा सेल्स, उसमें से कुछ प्लाज्मा सेल मेमोरी सेल बन जाते हैं, और जब सेकेंड टाइम एक्सपोजर होता है, तो मेमोरी सेल से डायरेक्ट एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। मेमोरी सेल का फिर प्रोलिफ्रेशन होता है, प्लाज्मा सेल बनता है, और उसका स्टार्ट हो जाता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन एक्टिवली। सो दैट इज वाई इन द सेकेंडरी रेस्पॉन्स द मैग्नीट्यूड इज हाई एंड द रेस्पॉन्स इज वेरी क्विक। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ? और कोई डाउट है तो यस पूछो। सर, कोई डाउट है इस फिगर में? एक समझना बहुत जरूरी है। किसमें? सर उसी में सर कुछ प्लाज्मा सेल मेमोरी सेल बन जाते हैं। किसमें? जो यहाँ प्लाज्मा सेल बनेगा उसी में से ना कुछ हाँ, प्लाज्मा सेल्स, सम जो ऑफ द लेफ्ट प्लाज्मा सेल्स, बन जाते हैं। हाँ, हम बताए उसमें भी फिर सेलेक्शन होगा, जो जो सबसे ज्यादा एंटीबॉडी सिक्रीट करने वाला प्लाज्मा सेल होगा, हेल्दी प्लाज्मा सेल्स, एंड जब इन्फेक्शन एंड करेगा, जब ये ग्राफ नीचे जा रहा है, देन सम ऑफ द प्लाज्मा सेल्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू द मेमोरी सेल, और वो अपना एंटीबॉडी प्रोडक्शन स्टॉप कर देगा, और वो क्विंसेंट स्टेज में लिम्फ नोड में चला जाएगा रहने के लिए। और जब सेकेंड टाइम जब एनकाउंटर होगा एंटीजन का, और मैक्रोफाज जो है, आगे के पिक्चर में यही हम आपको एक्सप्लेन करने वाले, इसीलिए कंटिन्यूटी हम चाहते थे, इसलिए हम पूछते हैं हर बार क्लास में, लास्ट टाइम क्या पढ़ाए थे। इसका ये मतलब नहीं कि हम भूल गए कि क्या पढ़ाए, हम ये चाहते हैं कि आप लोग को भी याद रहे कहाँ पर से छोड़े थे। ये पूरा कंटिन्यू है पेपर, एक कहानी है अभी जैसे, ठीक है ना, ये ओवरव्यू, आगे फिर ब्रेक ब्रेक करेंगे। तो प्लाज्मा सेल्स, कुछ प्लाज्मा सेल जो है वो कन्वर्ट हो गए मेमोरी सेल में, और वो चले गए लिम्फ नोड्स में रहने के लिए। लिम्फेटिक सिस्टम होता है आपके बॉडी में, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का है ना, दो टाइप का आपके बॉडी में है, एक ब्लड वाला, ब्लड सर्कुलेशन, और एक लिम्फ का सर्कुलेशन है, पता है ना। लिम्फेटिक वेसल्स भी होते हैं, और यस सर, लिम्फ नोड्स होता है, और इसके अंदर जो सर्कुलेशन होता है फ्लूड का, दैट इज अ वाटरी फ्लूड, व्हाइट वाटरी फ्लूड, लेकिन इसके अंदर हार्ट नहीं है लिम्फेटिक सिस्टम में, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट है पंप करने के लिए, उसमें पंप लगा हुआ है, लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम में पंप नहीं हो, तो ये फ्लो कैसे करता है? बिकॉज ऑफ योर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूडिक प्रेशर, आपके टिश्यू में जो प्रेशर है फ्लूड का, पानी पीते हो, उस पानी से जो प्रेशर आया,
इंटेस्टाइन में गया, सेल में गया, सेल से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में गया, ब्लड वेसल से वाटर निकलेगा, लिम्फ से वाटर ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, ब्लड से लिम्फ में जाएगा, ये आदान प्रदान चलते रहता है। ओके, एंड इन द लिम्फेटिक वेसल्स कुछ कुछ जगह लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है, लिम्फ नोड। और वो लिम्फ नोड क्या है, बेसिकली एक टिश्यू का मास है और स्पेस है वहां पर, और उस स्पेस में लिम्फोसाइट्स जो है एक्यूमुलेटेड होते हैं, दे आर दीज आर द होम फॉर लिम्फोसाइट्स, लिम्फ नोड्स। जैसे फॉर एग्जांपल टॉन्सिल, सुने हो नाम टॉन्सिल, सुने हो गए, लोग कहते हैं टॉन्सिल मेरा बढ़ गया, ठीक है, तो टॉन्सिल, टॉन्सिल जो है इज वन ऑफ योर लिम्फ नोड, एंड लिम्फ नोड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन योर बॉडी एरिया, एंग्रोइड रीजन, ठीक है ना, जहाँ बगल में, पैर में, नीचे नीचे सब जगह बॉडी में ऊपर से नीचे लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फेटिक वेसल से कनेक्टेड, तो इसी लिम्फ नोड्स में लड़ाई का मैदान है। ओके, एडेप्टिव इम्यूनिटी का लिम्फ नोड क्यों बताया, तो एडेप्टिव इम्यूनिटी का जो लड़ाई का मैदान है, पानीपत का लड़ाई, कुरुक्षेत्र का मैदान जो है वो है लिम्फ नोड। अब आगे के पिक्चर में हम दिखाएंगे आपको कि कैसे यहाँ पर होता है। इतना क्लियर है कि नहीं आपको पहले, अभी चलें आगे। यस सर। ये पिक्चर दिख रहा है आपको, यस ये पिक्चर दिख रहा है क्लियरली आपको, बड़ा बड़ा, यस सर। अब ध्यान से देखिए, यस सर, ये पिक्चर क्या कह रहा है, ये पिक्चर ये कह रहा है कि आपका एडेप्टिव एंड इननेट इम्यूनिटी कैसे एक दूसरे से मिल करके काम करता है, एक दूसरे से मिल करके काम कर रहा है। ओके, देखिए सबसे ये आपका दिखाया ये वाला लाइनिंग बकोफेरेंजियल लाइनिंग, तो यहां पर क्या है, म्यूकोसल लाइनिंग है। म्यूकोसल लाइनिंग क्या था, आपका इनर एनाटॉमिकल बैरियर, एंड ऑन दैट सरफेस यहां पर कॉन्स्टेंटली बराबर पैथोजन आ रहा है, मुंह से आप बहुत सारा फॉरेन सब्सटेंस ले रहे हो, ठीक है, आ रहा है कॉन्स्टेंटली, तो एक तो लड़ाई का मैदान यहां पर है। ओके, हमेशा। फिर अब इसको हम डिटेल में देखते हैं, यहां पर हो क्या रहा है इस रीजन में। सबसे पहले जो आपका पैथोजन आया, ये दिख रहा है टाइनी पैथोजन, छोटा पैथोजन, ये दिख रहा है फिगर में पैथोजन आपको, क्लियर है ये वाला, यस सर। ओके, तो पहला एक्शन तो क्या हुआ पैथोजन पर, इननेट इम्यूनिटी का, सबसे पहले कौन इम्यूनिटी आता है, तुरंत इमीडिएटली एक्शन करने के लिए इननेट इम्यूनिटी। तो इननेट इम्यूनिटी का कंपोनेंट क्या था, यहाँ एक तो म्यूकोसल लाइनिंग है, वहां पर एक्टिविटी चल रहा है, और इननेट इम्यूनिटी का जो सेलुलर कंपोनेंट है दैट इज न्यूट्रोफिल्स, सो सबसे पहले न्यूट्रोफिल आया इसको मारने के लिए, सॉरी न्यूट्रोफिल बोल रहे हैं, सबसे पहले फैगोसाइट्स, न्यूट्रोफिल बाद में आएगा, फैगोसाइट्स। सो फैगोसाइट्स जो है इननेट इम्यूनिटी का सेलुलर कंपोनेंट सेल्स है, वो जो है पैथोजन को फैगोसाइटोज करने के लिए वहां पर प्रेजेंट है पहले से, और दे कम इन द कॉन्टेक्ट विद द पैथोजन फर्स्ट।
अब उसका फैगोसाइटोसिस प्रक्रिया शुरू हो गई, एंड जब फैगोसाइटोसिस हो रहा था तो उस समय ये फैगोसाइट्स जो है क्या रिलीज किया, कीमोकाइंस रिलीज करते हैं फैगोसाइट्स। ये ब्लैक ब्लैक डॉट दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको ब्लैक डॉट? सर आवाज कट रही है, आवाज कट रहा है। ओके यस सर, अभी ठीक है? अभी भी कट रहा है आवाज मेरा? अब ठीक है सर। देखिए फिगर को आप समझिए अच्छे से, ये ब्लैक डॉट दिख रहा है आपको, फेगोसाइट कब कीमोकाइन सिक्रेट किया, जब वह पैथोजन को फेगोसाइट्स जो है अपने अंदर इनगल्फ किया तब किया। ऐसे रेस्टिंग में पड़ा हुआ था तब नहीं कर रहा था कीमोकाइन सिक्रेट, क्यों करेगा फालतू में। जब फेगोसाइटोसिस शुरू हुआ तो ये एक केमिकल मैसेंजर कीमोकाइंस क्या होता है, साइटोकाइंस भी एक होता है, एक कीमोकाइंस भी होता है। साइटो बताए थे लास्ट क्लास में, साइटोकाइंस क्या करता है, साइटोकाइंस जो है सेल के रिसेप्टोकाइंस वैसे मॉलिक्यूल्स हैं जो रिलीज होने के बाद टारगेट सेल के रिसेप्टर पर बाइंड करते हैं, और रिसेप्टर पर बाइंड करने के बाद उस सेल को सिग्नल मिल जाता है या तो कोई एक सिक्रेटरी अदर सिक्रेटरी मॉलिक्यूल्स रिलीज करने के लिए, या नहीं तो सेल जो है डिफरेंशिएट कर जाएगा इनटू अदर सेल टाइप्स। वो तो हो गया साइटोकाइन, साइटोकाइन आर रिलीज्ड बाय टी लिम्फोसाइट्स। ओके, और दूसरा होता है कीमोकाइन। ये सब क्या है आपका एडेप्टिव इम्यूनिटी के, कीमोकाइंस एंड साइटोकाइंस आर एडेप्टिव इम्यूनिटी के ह्यूमोरल कंपोनेंट्स हैं, सॉल्यूबल कंपोनेंट्स हैं। ओके, सो फैगोसाइट्स जो है आने के बाद जब पैथोजन एंटर किया तो फैगोसाइट्स पैथोजन को एनगल्फ किया, पैथोजन को एनगल्फ करने के बाद जब उसका फैगोसाइटोसिस चला तो वह कीमोकाइन बहुत तरह के हैं, कीमोकाइन नाम का एक केमिकल सिक्रीट रिलीज करता है। कीमोकाइन का काम क्या है, कीमोकाइन अट्रैक्ट, ये बुलावा भेजता है इसको न्यूट्रोफिल्स को, ठीक है, प्लाज्मा सेल्स को एंड इफेक्टर टी सेल्स को। अब इसको हम देखेंगे बाद में, प्लाज्मा सेल और इफेक्टर टी सेल जो है एडेप्टिव इम्यूनिटी का, ये तो बाद में आएगा, जब तक बी सेल और टी सेल, क्योंकि इसके ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर है एंड दिस स्पेसिफिक रिसेप्टर इज अगेंस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर पैथोजन। सो दिस प्लाज्मा सेल, ये प्लाज्मा सेल जो अभी नीचे वाला आप देख रहे हो, ये आया है सेलेक्शन एंड क्लोनल प्रोलिफरेशन के बाद। तो अभी इसको आप यहां तक समझिए कि फेगोसाइट जो है कीमोकाइन रिलीज किए, और कीमोकाइन रिलीज जब होंगे तो कीमोकाइंस विल अट्रैक्ट न्यूट्रोफिल्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। तो न्यूट्रोफिल्स और बी टी लिम्फोसाइट्स ये सब कहां पर है, ये एक्टिविटी कहां चल रही थी आपकी, फेगोसाइट्स कहां पर थे, म्यूकोसल लाइनिंग पर, म्यूकोसल मेम्ब्रेन पर था, ठीक है, अभी ये सेल के अंदर नहीं है, म्यूकोसल मेम्ब्रेन पर ये फेगोसाइट्स चल रहे हैं। ओके, ब्लड में आया नहीं है, वहां पर फेगोसाइट्स अपना काम किया। अगर मान लो ये छोटा मोटा पैथोजन है, थोड़ा बहुत एक्शन से मर गया, फेगोसाइट्स अकेले ही सबको किल कर दिया, तब तो ठीक है, लेकिन अगर भारी मात्रा में ये है और इससे ज्यादा ताकतवर है, फेगोसाइट्स अकेले निपट नहीं पा रहा है इससे, तब फेगोसाइट्स क्या करेगा, कीमोकाइन सिक्रीट करेगा। अगर छोटा मोटा है तो उसको मार के खत्म कर दिया, नहीं तो
कीमोकाइन सिक्रीट किया जो कीमोकाइन बुला के लाएगा। न्यूट्रोफिल्स और ये सब कहां पर है, बीट और टी लिम्फोसाइट्स ब्लड वेसल्स में, ये रेड वाला आपको दिख रहा है ये ब्लड वेसल्स में है। तो इनको यहां पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपना ब्लड वेसल के वाल को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्लड वेसल के वाल को जब, तो ये ऐसे आसानी से ये तो क्रॉस नहीं कर सकता, ये तो एक तरह से हिमरेज हुआ। नॉर्मली आपके ब्लड वेसल से ब्लड बाहर नहीं निकलता है ना सेल, तो इसके लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म चाहिए। तो उसी के लिए कीमोकाइंस है, कीमोकाइन जब रिलीज होगा तब ये ब्लड वेसल के वाल से निकलेगा, न्यूट्रोफिल्स बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट ये आएंगे अब ब्लड वेसल के बाहर टिश्यू स्पेस पर। लेकिन अब देखते हैं, लेकिन ये तो बाद में होगा, कीमोकाइन रिलीज किया तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल आया क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक है, इननेट कंपोनेंट का सेल है, ठीक है, ठीक है। बी और टी तो बाद में आएंगे, तो बी और टी को बाद में आने के लिए क्या जरूरी है, ये एक अलग से यूनिट है आपका सिलेबस में, आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एंटीजन प्रेजेंटेशन। आप लोगों को समझ में आ रहा है जो हम बोल रहे हैं, कहीं डाउट है तो बीच में रोक के पूछो, बैक हम जाएंगे फिर। सर अभी जो बताए ना वो फिर से समझाना है, जो कहां से कोई एक बात, फैगोसाइट्स के बाद फैगोसाइट्स, हां फिर पूरा, फिर अगर पैथोजन फिर आगे जाता है तो फिर क्या। देखो दो कंडीशन है, पैथोजन या तो आपको हरा देगा या आप उसको हरा दोगे। तो पहले तो अगर छोटा मोटा इन्फेक्शन है, हल्का फल्का टाइप का है, जो बार बार आपके गला में बहुत तरह का ऐसा इन्फेक्शन बार बार आ रहा है, जो बार बार रोज 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 इसको पाला पड़ता है फेगोसाइट्स का उससे, ठीक है, रोज मार के भगाता है, रोज पाला पड़ता है उसका। तो इस टाइप का छोटा इन्फेक्शन जो रोज वो क्लियर आउट करते रहता है, वो तो फिर क्लियर कर दिया मान लो यहाँ तुरंत ये फेगोसाइट कर, इसको फेगोसाइटोज करके उसको क्लियर कर दिया। लेकिन वैसे इन्फेक्शन मान लो कोई आ गया, इन्फेक्शन जो परसिस्ट करने वाला है, लड़ाई लंबा चलेगा, तो फेगोसाइट्स जो है दो काम करता है। पहला काम जो है वो कीमोकाइन फेगोसाइट्स जब किया कि पैथोजन को अंदर में लिया, फेगोसाइट उसका फ्रेगमेंट जनरेट किया। आवाज बहुत कट रही है, आवाज कट रही है सर, बहुत ज्यादा ही मतलब सर कट रही है सर, लिंक टूट जा रहा है सर। ये प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है, इसको समझ लोगे ना तो आगे आपका सिलेबस में दो तीन टॉपिक का ये मेन थीम है। क्या करें, लॉकडाउन टाइप का हो गया है, सब लोग घर में बहुत मोबाइल देख रहे हैं, सर ये जो ब्लड वेसल्स से सर टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट निकला सर, ये क्या बताए थे यहाँ पे, ये कैसे ये रिलीज हुआ, हम बता रहे हैं फिर से, ये आप समझोगे पूरा तब मैं समझोगे। ये अभी आवाज आ रही है मेरी, आवाज आ रही है मेरी ठीक से सर? नहीं आ रही है बिल्कुल भी आवाज, सर आवाज ही नहीं आ रही है। ओहो What do I do, man? ये पिक्चर भी दिखना आपको जरूरी है क्लियर। हाँ सर पिक्चर आ रहा है, पिक्चर आ रहा है सर, की आवाज नहीं आ रही है, आवाज ही नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रहा है। ऐसा करें, रुक जाओ फिर 10 अभी ये एक मिनट में वैसे भी ये सेशन एंड होगा विद इन वन मिनट, तो हम इसको एंड करके फिर से कनेक्ट करते हैं, ओके। आप लोग अभी फटाफट ज्वाइन होना, फिर देखते हैं नेटवर्क कैसा है, ओके।